आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ग्रामर में वॉइस के बारे में। तो वॉइस के दो पार्ट होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है या जो डूअर या फिर एजेंट, उस पर ज़्यादा उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। पैसिव वॉइस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब बाय एंड सब्जेक्ट। पैसिव वॉइस में जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में पीछे चले जाता है और एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट है वो सामने आ जाता है। इसका मतलब कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है या ऑब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो कुछ टेंस के अकॉर्डिंग कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ दिए हैं, जैसे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तो ये चेंज होगा, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ये हो जाएगा इज एम आर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल पास्ट टेंस वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है एक्टिव वॉइस में, ये चेंज हो जाएगा वॉज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। सिंपल फ्यूचर टेंस विल शैल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज हुआ पैसिव वॉइस में विल शैल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर वर्ब में आईएनजी फॉर्म चेंज होगा इज एम आर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटीन्यूअस वॉज वेयर वर्ब में आईएनजी फॉर्म इन एक्टिव वॉइस चेंज होगा वॉज वेयर बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होता है तो ये चेंज हुआ हैज हैव और बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, ये और चेंज होगा तो हैड के साथ बीन लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट विल शैल प्लस हैव एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म चेंज होगा विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मॉडल्स फॉर एग्जांपल कैन कुड मे माइट शुड वुड एक्सेट्रा, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो जहाँ पे एक्टिव वॉइस में जो भी अगर मॉडल आते हैं तो वो उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है हमेशा, जब ये पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ये मॉडल के साथ बी लगेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सम अदर रूल्स अकॉर्डिंग टू टेंस सब्जेक्ट विल चेंज इनटू ऑब्जेक्टिव फॉर्म। जो सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में जितने भी सब्जेक्ट हैं ये जब पैसिव वॉइस में जाएंगे तो वो उसके फॉर्म चेंज हो जाएंगे, जैसे आई हो जाएगा मी ही हिम शी हर यू यू, कोई चेंजेस नहीं। वी अस दे देम इट का इट रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। हु होम और अगर किसी का नाम है तो वो भी रहेगा, नाम ही रहेगा, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं होगा। तो वॉइस चेंजेस अकॉर्डिंग टू टेंस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस जैसे एग्जांपल है आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। इसमें आई है सब्जेक्ट, सिंग है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड ए सॉन्ग है ऑब्जेक्ट। मैं गाना गाता हूँ, जब ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलेगा तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है ये आ जाएगा सामने एज ए सब्जेक्ट। ए सॉन्ग इज संग, संग जो है ये है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाय यहाँ पे जो आई था सब्जेक्ट ये बदल जाएगा मी में, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये बदल जाएगा, आई बदलेगा मी। मैं गाना गाता हूँ तो ये हो जाएगा गाना मेरे द्वारा गाया जाता है। सेकेंड है प्रेजेंट
कंटीन्यूअस टेंस में आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, यहाँ पे आई है, जैसे हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा आई के साथ एम है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर है और वर्ब का आई एन जी है, तो ये जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो ये हो जाएगा इज एम आर बीइंग एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे जो ए सॉन्ग है तो उसके साथ लगा इज, तो आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। ए सॉन्ग जो ऑब्जेक्ट है ये बदला सब्जेक्ट में ए सॉन्ग, इसके साथ लगा इज अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म सम बाई मी, तो ये हो गया मैं गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो जाएगा मेरे द्वारा, गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा है। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आई हैव sung a song, according to tense हमने पढ़ा has या have होता है verb का third form होता है active voice में, जब ये passive में बदलेगा तो has और have के साथ been लगेगा plus verb का third form, तो वही changes यहाँ आया है, जो हमारा object था a song ये बदला हमारा subject में, यहाँ पे a song has के साथ been लगा has है, a song singular word है इसलिए इसके साथ has लगा, been sung by me, तो ये हमारा सेंटेंस हुआ मैं गाना गा चुका हूँ। जब इसको पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये हो गया a song has been sung by me, मतलब गाना मेरे द्वारा गाया जा चुका है। अब हम आएंगे पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस I sang a song, I है subject, sang है verb का second form, sing, sang, sung, sing first form और sang है second form, a song हमारा यहाँ है object, active voice में subject, verb और object है, तो ये जब passive voice में change होगा तो जो object है ये आ गया सामने, ये हो गया a song, ये बना हमारा subject। अब tense के according हमने पढ़ा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म है तो वो टेंस जब पैसिव वॉइस में चेंज होगा तो वाज और वेयर लगेगा, सेम चीज यहाँ पे हुआ, ए सॉन्ग वाज, वाज हेल्पिंग वर्ब है, वाज सम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब सम बाय मी, जो आई जो सब्जेक्ट था ये जब ऑब्जेक्ट में बदला तो ये हो गया मी, तो ये सेंटेंस हुआ आई सैंग ए सॉन्ग, मैंने गाना गाया। जब ये पैसिव वॉइस में बदलेगा तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग वाज संग बाय मी, गाना मेरे द्वारा गाया गया। नेक्स्ट है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, आई वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गा रहा था, ये चेंज होगा A song was being sung by me. गाना मेरे द्वारा गाया जा रहा था। Next है हमारा past perfect tense. I had sung a song. यहाँ जो I है ये हमारा जब passive voice में बदला तो ये me हो गया. Had past tense. पास्ट परफेक्ट टेंस में हमने पढ़ा हैड होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, ये जब पैसिव में चेंज होगा तो ये जगह हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये सॉन्ग जो हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट था एक्टिव में ये हो गया हमारा सब्जेक्ट बन गया ए सॉन्ग, इसके साथ हैड और बीन अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हैड बीन सम वर्ब का थर्ड फॉर्म सम बाय मी, जो आई था ये हमारा ऑब्जेक्ट में बदला मी बना, तो ये सेंटेंस है आई हैड सम ए सॉन्ग, मैं गाना गा चुका था, तो ये हो जाएगा ए सॉन्ग हैड बीन सॉन्ग बाय मी, गाना मेरे द्वारा गाया जा चुका था। नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर टेंस में दो ही टेंस हैं, यहां हमने पढ़ा फ्यूचर
फ्यूचर सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में ये हो गया आई शैल सिंग ए सॉन्ग, आई के साथ शैल लगा, ही शी इट या एनी नेम होता तो हम वहां पे इज या सॉरी विल लगाते। तो आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ लगा शैल और सिंग ए सॉन्ग, इसका मीनिंग है मैं गाना गाऊंगा। जब ये एक्टिव वर्ब से पैसिव वर्ब में बदलेगा तो ये हो गया ए सॉन्ग, जो हमारा लास्ट में ऑब्जेक्ट था ये हमारा सब्जेक्ट बना, और जो सब्जेक्ट था ये मी ऑब्जेक्ट बना। तो ये हो गया ए सॉन्ग सिंगुलर, तो विल, ए सॉन्ग विल बी अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, शैल विल के साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तब। तो ये हो गया ए सॉन्ग विल बी संग बाय मी, तो ये हो गया हमारा सेंटेंस मैं गाना गाऊंगा। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा गाना मेरे द्वारा गाया जाएगा। नेक्स्ट है आई शैल हैव संग ए सॉन्ग, आई शैल हैव, ये है हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, विल या शैल प्लस हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये जब चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, विल शैल हैव बीन एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। तो ये हो गया ए सॉन्ग विल हैव बीन sung by me, अर्थात ये हुआ मैं गाना गा चुका हूंगा। तो इसको जब हम पैसिव में बदलेंगे तो यह सेंटेंस बनेगा।